हेलो एंड वेलकम टू बुलेट राजा वंस अगेन। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल बुलेट राजा पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा जो वीडियोस हैं उनको लाइक कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों आज हम आए हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में देखने के लिए जो एक नई बाइक लॉन्च हुई है, उसका नाम है रॉयल इनफील्ड मेटियोर 350 CC। तो उसमें तीन मॉडल आते हैं और ये देखते हैं कि ये अंदर क्या देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं शोरूम के अंदर। तो दोस्तों देखिए ये है रॉयल इनफील्ड की मेटियोर 350 CC बाइक। देख सकते हैं इसका लुक। इसका जो टैंक है वो थंडरबर्ड से कुछ कुछ मैच करता है और अगर फ्रंट से देखा जाए तो आगे जो LED लाइट दी हुई है सर्किल में और बीच में हैलोजन लाइट है और टायर के बीस के काफ़ी ब्रॉड हैं। डिस्क ब्रेक भी काफ़ी अच्छा खासा ब्रॉड दिया हुआ है, ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है पहले से जो आता था। और अगर देखा जाए इस बाइक को तो इस बाइक का जो लुक है वो कुछ कुछ थंडरबर्ड जैसा मिलता है। आप देख सकते हैं इस बाइक को इस फ्रेम में लुक जो है इसका थंडरबर्ड से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ बहुत सारे एडवांसमेंट किए गए हैं। इसका इंजन को रिफाइन किया गया है, जैसा आप देख सकते हैं इसका जो इंजन है EFI इंजन है और बहुत ही ज़्यादा रिफाइन किया गया है। और ये बताते हैं कि इसमें वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं है और ये जो पावर 19 BHP की प्रोड्यूस करता था क्लासिक 350 में और थंडरबर्ड में, और वो 22 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा। पीछे जो डिस्क ब्रेक है वो भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है पहले जो दिया होता था उससे। बात करें अगर पीछे की लुक की तो इसमें LED टाइप का लाइट दिया हुआ है, रेड लाइट आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अलग इसमें डिज़ाइन है, थोड़ा सा रेट्रो लुक दिया हुआ है पीछे से। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैक सीट है इसमें आप देख सकते हैं ये स्प्लिट सीट के साथ आता है, तो सीट काफ़ी कम्फर्टेबल है। सीट्स आर वेरी कम्फर्टेबल। ये देखिए दूसरा मॉडल है इसी सेम बाइक का, आप यहाँ देख सकते हैं ब्लू कलर में है, वो येलो कलर में है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ एसेसरीज भी लगी हुई हैं, लेग गार्ड भी लगा हुआ है एंड यू कैन सी दैट द कंट्रोल पैनल जो है, जो मीटर है वो LED टाइप का है। यहाँ पर आपका टाइम दिखाएगा और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट है, GPRS से भी कनेक्टेड है। रॉयल इनफील्ड की वेबसाइट पर जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से यूज़ करना है उसको आप। और यहाँ देखिए ये LED टाइप में दिया हुआ है, LED भी है और मैनुअल भी है स्पीड के लिए। बाकी सारी डिटेल्स आपको इसमें दिख जाएंगी, फ्यूल कितना है वो भी इसमें आपको दिखेगा। और जो बटन्स हैं आपके यहाँ देखिए नया स्टाइल दिया हुआ है, पहले यहाँ पर किक स्टार्ट इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहले इस सेल्फ स्टार्ट बटन आता था वो इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ से सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा और ये इंजन कट के लिए है, तो दिस इज़ द न्यू थिंग। यहाँ पर भी जैसे ये है पास के लिए बटन, ये हाई बीम के लिए है, ये लो बीम के लिए और ये पास के लिए है। तो ये सारे कुछ चेंजेस हुए हैं रॉयल इनफील्ड मेटियोर में। आप देख सकते हैं इसका भी कुछ नया डिज़ाइन है, ये टैंक लिड जो दिया हुआ है ऊपर। और देखने में बाइक कैसी लगती है वो मैं साइड से दिखा देता हूँ आपको। पीछे आप देख सकते हैं सीट रेस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा जो पीछे पिलियन बैठेगा उसको। तो ये जो मेटियोर 350 है ये थ्री मॉडल के साथ आता है, फर्स्ट वन इज़ स्टेलर, थर्ड वन इज़ सुपरनोवा, थर्ड वन इज़ फायरवॉल येलो। दिस इज़ द फायरवॉल येलो एंड यू कैन सी दैट जो आगे के टायर हैं उनमें भी येलो कलर की लाइनिंग दी हुई है जो बहुत ही प्यारी लगती है। और लुक देख सकते हैं इसका किस तरीके से दिया हुआ है। और ये है इसका साइलेंसर, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्लीक डिज़ाइन दिया हुआ है।
बट इसका जो साउंड है जो क्लासिक 350 में आता है साइलेंसर और थंब जो है वो उससे ज़्यादा है। ये है इसके इंजन का लुक। रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 में आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक है और काफ़ी बड़े हैं साइज में जो डिस्क ब्रेक है और ABS भी है दोनों तरफ। और इसकी जो लाइट हेडलाइट है उसमें आप देख सकते हैं राउंड शेप में DRL है, ये DRL है और बीच में जो है हेलोजन है, तो काफ़ी अच्छा लुक है इसका। थंडरबर्ड से कुछ ना कुछ मिलता है इसका लुक। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और कुछ और जानकारी इस मॉडल के बारे में अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं इसकी टेस्ट राइड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू वेरी मच।